नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि किस प्रकार की आग के ऊपर कौन सा फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करें। एक तरफ अपने पास होगा फ्लेमेबल और कंबिस्टेबल हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी तरफ होगा सूटेबल फॉर्म, जो भी हम लोग फॉर्म इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो आता है अपने पास में उसके बारे में हम जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो कार्बन्स विद फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट बिलो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कहने का मतलब है वह हाइड्रोकार्बन्स जिसका फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री से नीचे हो तो उसके ऊपर हम कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो उस जगह के ऊपर हम कौन कौन से फॉर्म यूज में लेते हैं, तो इसके ऊपर हमें जो प्रोटीन फॉर्म होता है, प्रोटीन फॉर्म प्रयोग में ले सकते हैं, फ्लोरो प्रोटीन यूज में ले सकते हैं, फ्लोरो प्रोटीन, फिर उसके बाद में AFFF, AFFF, एक्वार फिल्म फॉर्मिंग फोम, इसी के साथ में जो अल्कोहल रेसिस्टेंट फोम, रेसिस्टेंट फोम। तो आदि जो फोम होते हैं इनका यूज हमें इसके ऊपर ले सकते हैं। हाइड्रोकार्बन विद फ्लैश पॉइंट बिलो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, वह हाइड्रोकार्बन जिसका फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री से नीचे हो तो उस पर हम प्रोटीन फॉर्म, फ्लोरो प्रोटीन फॉर्म, AFFF, एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, जो अमेरिका की 3D कंपनी ने तैयार किया था, ठीक है, और अल्कोहल रेसिस्टेंट जो फॉर्म होता है इन सभी का यूज हम ले सकते। दूसरा जो आता है, सेकंड जो आता है अपने पास में फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट एट और अबाउ 37.8 डिग्री सेल्सियस, जिसका फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो उस जगह के ऊपर हमें कौन सा जो फॉर्म है वो यूज में लेंगे। तो इसके ऊपर सभी प्रकार के जो फॉर्म होते हैं उसका यूज हमें ले सकते हैं, जितने भी हैं, क्या ना, प्रोटीन फॉर्म, फ्लोरो प्रोटीन, एक्वा फिल्म फॉर्मिंग, अल्कोहल रेसिस्टेंट फॉर्म और फिल्म फॉर्मिंग, फ्लोरो प्रोटीन फॉर्म, तो ये सभी जो फॉर्म होते हैं इनका यूज हम इसके ऊपर ले सकते हैं। थर्ड जो आता है अपने पास में, तीसरा जो आता है लिक्विड रिक्वायरिंग अल्कोहल, अल्कोहल रेसिस्टेंट फॉर्म। बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि शराब की आग के ऊपर हम कौन सा जो फॉर्म होता है उसका प्रयोग लेते हैं, या शराब की तरह जो तरल पदार्थ होते हैं उसके ऊपर हमें कौन सा जो फॉर्म होता है उसका यूज लिया जाता है। तो इसके ऊपर भी कौन सा यूज में लेते हैं, अल्कोहल रेसिस्टेंट फॉर्म।
तो अल्कोहल रेसिस्टेंट जो फॉर्म होता है उसका यूज हमें शराब की आग के ऊपर लेते। तो ये था कि कौन से आग के ऊपर कौन सा जो फॉर्म है वो डाला जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।